ओम शांति। 5 अक्टूबर 2021 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, इन्हें पावन बनाओ। अब बाप की याद से इनको पावन बनाओ ना। मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से उन्हें पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना, क्योंकि जहां जाना है वैसा तो बनना पड़ेगा ना, जैसा देश वैसा भेष तो करना ही पड़ेगा। प्रश्न, भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बताया है, किस हिसाब से शिव बाबा बच्चों को मिलते हैं? किसी को पहले मिलते हैं, किसी को लेट मिलते हैं, किसको ज्यादा टाइम मिलते हैं, किसको कम टाइम मिलते हैं? जिन्होंने ज्यादा भक्ति की है उन्हें ज्यादा टाइम मिलते हैं। उत्तर, जिन्होंने शुरू से भक्ति उन्हें ही भगवान मिलता है। भक्ति कब से शुरू होती है? द्वापर से। तो जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने ये हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता। क्यों आपने सबसे पहले भक्ति की? हमारे ज्यादा जन्म है इसलिए ज्यादा भक्ति। हम सबसे पहले बाबा से बिछड़े तो भूख भी सबसे पहले हमें जल्दी लगेगी, दुख की फीलिंग भी हमें सबसे पहले होगी, क्योंकि जो आया लेट है उसको दुख भी तो लेट मिलेगा ना। क्या कहना? जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प मुझे याद किया, जो 5,000 साल के लिए आया तो याद कितना टाइम करेगा? 2,500 साल बाबा को याद करेगा। जो आया 4,800 साल के लिए तो 2,400 साल के लिए बाबा को याद करेगा। जो आया 4,000 साल के लिए वो 2,000 साल बाबा को याद करेगा। जो आया ही 500 साल के लिए तो बाबा को कितना याद करेगा? 250 साल। 500 साल के लिए आया गुरु नानक तो वो बाबा को कितना याद करेगा? 250 साल के लिए। भक्ति लेट शुरू होगी ना उसकी। इस प्रकार से जो जो जैसे जैसे आए उनकी भक्ति भी उतने समय लेट शुरू होती, उनको परमात्मा को याद भी उसने कम करना। तुमने आधा कल्प मुझे याद किया, अब मैं आया हूं तुम्हें भक्ति का फल देने। गुरु नानक की आत्मा, क्राइस्ट की आत्मा के लिए बाबा ने कहा कि वो आते ही पवित्र हैं, उनके जीवन में दुख आते ही लेट है, क्योंकि पवित्र आए ना तो उनको दुख नहीं मिलते। वो उनके दिल में सच्चाई होती है, उस सच्चाई के आधार पर वो दुनिया को एक सत्य मार्ग दिखाते।
तो उनके अपने जीवन में दुख की फीलिंग लेट आती। क्राइस्ट को कोई क्रूस पर नहीं लटकाया गया। क्रूस पर किसे लटकाया गया? जिस शरीर का आधार क्राइस्ट की आत्मा ने लिया था उसे क्रूस पर लटकाया गया है ना। इसी प्रकार से गुरु नानक जी लेट आए, उनके जीवन में दुख नहीं था। जो बाद में आए, बाद में जब उनका खुशी का टाइम, सुख का टाइम कम होता है तो उनके जीवन में दुख की फीलिंग आती। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा भी कहां होगी? तेरी गली। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते, ऐसे होता है क्या? कोई आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जाकर नए माता पिता के पास जन्म लेगी ना। इधर से शरीर छोड़ा तो उधर उसका गर्भ तैयार है तो माता पिता के पास जाएंगे ना, वहां जाके जन्म लेंगे। जानते हो हम आत्माएं हैं, वे हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए, कितने साकारी बाप किए भाई, जितने आपने जन्म लिए। 84 जन्म लिए हैं तो 84 साकारी बाप किए, 83 लिए हैं तो 83, 20 किए हैं तो 20। असल में हो निराकारी बाप के बच्चे, परमानेंट बाप तो परम आत्मा है जो हर जन्म में हम आत्माओं का बाप है, ना लेवे तो भी बाप है, परम धाम में चले जाएंगे उसके पास बैठ तो भी बाप है। तब ना बोले कोई बात नहीं, ना खिलावे कोई बात नहीं। पालना ना करे कोई बात नहीं, परंतु परमानेंट बाप है। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी कहां के हो? परम धाम, शांति धाम और निर्वाण धाम, ब्रह्म लोक, आत्माओं का घर। हां जी, ब्रह्मांड। बाप भी वहां रहते, यहां तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, फिर उस बाप को भूल जाते। लौकिक बाप के बच्चे बनते हो और फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भी भूल जाते। पेट भर गया तो क्या की अम्मा, किस बात की मां? मां तो तब चाहिए जब चूहे कूदने शुरू हो जाए, भूख लग जाए। सुख में उस बाप को सिमरण नहीं करते, इसीलिए भक्ति में गीत क्या बनाया? सुख में सुमरण ना करें, दुख में करें याद। गलत बोला, ऐसा भी है वैसे, ऐसा भी है ऐसे, क्योंकि उसके अंदर है उसकी कौन सुने फरियाद, मतलब वो भी है और वो भी है। ठीक है, ऐसा है कि अलग अलग राइटर होते हैं, अपने अपने तरीके से लिखे। उसने अपने तरीके से लिख दिया कि सुख में स्मरण ना करें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने जो सुना है उसमें कोई शक नहीं है। पर तो ऐसा भी है कि सुख में स्मरण ना करें, दुख में करें याद,
ऐसे संत की कौन सुने फरियाद, मतलब फिर इसकी फरियाद भी कोई नहीं सुनता ना वो भाई मतलब ऐसा ना कि जैसे जैसे संत हुए, जैसे जैसे हुए, हर एक ने अपने अपने तरीके से कह दिया। मैं उस बाप का सिमरण नहीं करते, क्योंकि सुख होता है ना, तो उस बाप का सिमरण नहीं करते, दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती है, क्योंकि यहां पर जैसे बाबा ने बोला तो मुझे भी उसी दुख में याद आया। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर तरफ रहती, उस बाप को याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, हैं दोनों बाप, दोनों बाबा है, राइट अक्षर बाप ही है, राइट अक्षर क्या है, बाप ही है, वे भी फादर ये भी फादर, आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां चली जाती। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाबा आया है, कौन आया है, बाबा आया है क्या करने के लिए, हमको अपना बनाया है। बाप कहते हैं पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत सौकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार, अभी तुम दुखी हो पड़े हो, दुखी हो पड़े हो, ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुम्हारी आत्मा और ये शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। ये शरीर रूपी वस्त्र कैसा था, आत्मा भी सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान थी, फिर गोल्डन एज से आत्मा किस में आई, सिल्वर एज में आई, तो शरीर भी सिल्वर आ गया, फिर कॉपर एज में आए, अब तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल कैसी हो गई है, पतित आयरन एज्ड हो गई है। आत्मा पतित आयरन एज्ड हो गई है तो शरीर भी पतित है, रोग लग गए। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, परंतु आजकल तो 10 कैरेट भी, 14 कैरेट भी, 5 कैरेट भी सोना तो कोई बात नहीं, दिखाई तो सोने की देगी ना, कोई अलग से दुकानें खुल गई, और जो शुद्ध सोने वाले हैं वो तो हाँ जी, नहीं मैं कहने का मतलब, मैं तो दुकान पे एक दो बार जाने का मौका मिला कि वो स्पेशल दुकानें हैं जहां पर मतलब आपको आपका वो 15 का बना दो, 18 का बना दो, उसी हिसाब से पैसे ले लेंगे, जितना सोना देंगे, जितना कहोगे उतने का बना देंगे, बाकी उसमें जो कुछ भी मिलाना है मिला देंगे, बोलेंगे जी वेट आपको इतने ग्राम है, आप कितने कैरेट का चाहते हो उतने के हिसाब से पैसे दे दो, बस सीधी सी बात, हाँ जितना सोना आप चाहो उतना सोना डाल देंगे। तुम भी अभी काले आयरन एज्ड बन गए हो, अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर पवित्र कैसे बने, तो फिर पवित्र कैसे बने, आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले। वे कैसे, कैसे होगा, क्या गंगा स्नान करने से आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले। अब आत्मा पवित्र कैसे बनेगी, बाबा पूछते, गंगा स्नान करने से नहीं, पुकारते ही है कि हे पतित पावन, आओ गंगा के किनारे खड़े होकर के भी पुकारते हैं पतित पावन, यह आत्मा कहती है।
तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। देखो ए बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। ए बाबा देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं, अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो, अब तुम क्या बन गए हो। ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। क्या थे, क्या बन गए, ये बात अंदर में रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए, याद सब करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आओ आकर पतित से पावन बनाओ। ड्रामा में ये भी पार्ट है, ड्रामा में ये भी पार्ट है। तब तो बुलाते हैं ड्रामा प्लेन अनुसार आएंगे भी तब, जब पुरानी दुनिया नई बनती है। तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है, बिलवर्ड प्यारा, मोस्ट बहुत प्यारा बाबा है। कहते भी हैं, अंग्रेजी के शब्द यूज कर रहे हैं बाबा, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। स्वीट होता है मीठा, स्वीटर होता है उससे मीठा, और स्वीटेस्ट होता है सबसे मीठा। आप बताओ स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर स्वीट है, जो जन्म देते हैं। फिर स्वीटर कौन है? टीचर। और टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग क्या है? याद। योग है याद। बहुत अच्छी तरह से इस लाइन को याद है। योग शब्द भक्ति मार्ग का है, दुनिया वालों का है। ज्ञान मार्ग में शब्द है याद। समझे? दुनिया वाले योग कहते हैं, योग माना जुड़ना या जोड़ना, आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना, इसलिए वो कहते हैं योग। बाबा कहते अब तुम योग शब्द मत कहो। क्यों नहीं कहो? क्योंकि जितने भी योग के कराने वाले हैं वो याद की तरफ नहीं जाते, वो योग मेहनत कराते। योग में नाम जपो, मंत्र जपो, या जो है ना क्या कहते हैं, सांस की क्रियाएं करो, ऐसे करो, आसन लगाओ, ऐसा आसन लगाओ, मतलब दुनिया भर के खेल कराते हैं, हर एक में बहुत मेहनत कराते हैं, मूलाधार से लेकर ऐसे चक्र सारे जगाते जगाते फिर यहाँ आकर कहेंगे, यहाँ अब तुम लाइट को देखेंगे, लाइट ही लाइट। कुछ ऐसे यहाँ उंगली घुमा के कहेंगे, बस देखो अब आपकी लाइट घूम रही है, चक्र घूम रहा है। मतलब वो बेचारे यही मेहनत करते रहते हैं, अब हम यहाँ 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 यहाँ, और बाबा ने क्या कहा, तुम आत्मा यहाँ बैठे, ये सारे खत्म, सारे झमेले खत्म करके कहा कि तुम आत्मा यहाँ बैठी हो,
तुम आत्मा वो ज्योति हो जिसको इन आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर कैसे देखेंगे? कितने कितने बाबा के बच्चे यही कोशिश करते रहते हैं, ब्रिकुटी में आत्मा को देखो, आत्मा नहीं दिख रही भाई। कई कहते हमें आत्मा दिखती है, लाइट दिखाई देता है, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट है, क्योंकि वो जो सोचते रहते हैं वही उनको दिखता रहे। अब जो सोच रहे हैं लाइट 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 लाइट, उनको लाइट लाइट तो चलो दिखाई दे रही है, फायदा क्या हो रहा है उसका? उसका फायदा कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ रंग वाली दिखाने शुरू कर दिया कुछ लोगों ने, लाल लाइट देखो, ऐसे ऐसे संकल्प करो, हरी लाइट देखो, गुलाबी लाइट देखो, पीली लाइट देखो, ये शरीर की बीमारी ठीक करनी है तो इस लाइट को देखो, ये शरीर का बीमारी ठीक करनी है तो इस लाइट को देखो। अरे आप बाबा से योग जुड़ाने आए हो या शरीर ठीक करना सिखाने आए हो? कहते शरीर ठीक होगा तो भगवान की याद होगी, कर लो फिर शरीर को ठीक कर लो, शरीर को ठीक हो जाएगा पर तू बाबा से योग। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद, तो बेहद का किसी को पता नहीं। चित्रों में क्लियर दिखाया भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कौन कराता है ये नहीं देखते। विष्णु द्वारा पालना कौन कराता है पता ही नहीं। शंकर द्वारा विनाश कौन कराता है? कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा भाई, खुद बच्चा है। अच्छा क्या सिखाया राजयोग में कृष्ण ने? गीता में राजयोग शब्द है, वो गीता व्यास ने लिखी है, नाम कृष्ण का लगा दिया है, चलो कोई बात नहीं। व्यास कहता है कि कृष्ण ने कहा राजयोग मैं सिखाता हूं, क्या सिखाया राजयोग के अंदर पता ही नहीं, वो गुरु जी बताएंगे। जो समझदार होगा वो गीता पढ़ के बताएगा, अरे समझदार क्या करेगा, संस्कृत में लिखा है, जो संस्कृत पढ़ना जानता है वो बता देगा, कहीं भी नहीं लिखा कि राजयोग क्या है। राजयोग सिखलाते ही सतयुग के लिए हैं, तो जरूर संगम पर बाप ही बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है ना, करता भी है करवाता भी है। वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, त्रिदेव कह देते हैं, त्रिमूर्ति त्रिदेव कह देते हैं या त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, तीन मुंह दिखा देते हैं ब्रह्मा। परंतु ऊंचते ऊंच है शिव, वो साकार और वो निराकार, सृष्टि भी यही है, इस सृष्टि का ही चक्र फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का कोई चक्र नहीं है, सूक्ष्म वतन केवल कितने समय के लिए होता है 100 साल के लिए, उसका कोई चक्र नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, इस संसार की ज्योग्राफी और इतिहास दोहराया जाता है। गाते भी हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर क्या आएगा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्कर चलता रहता है। नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए? बीच में क्या चाहिए? संगम युग चाहिए, तब तो बाप आकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी बनाए, स्वर्ग के लायक बनाए, नर्क वासियों को स्वर्गवासी बनाने,
बाप संगम पर ही आते हैं, जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ता। आत्मा जितना तमो प्रधान बनती जाती है उतना दुखी होती है। देवताएं हैं सतो प्रधान, ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी। बाप कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वैश्यालय। तुम पावन थे, अब पतित बने हो, तो कहते हो हम तो पापी हैं। हम तो, आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे कहेंगे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण। कहना चाहिए बाप के आगे, उसको छोड़कर किन की मूर्तियों के आगे जाकर कहते हैं और भाई बहनों की मूर्तियों के आगे जाकर कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में। क्यों जाते हैं भाई बहनों की मूर्तियों के आगे? क्योंकि उन्होंने उनको पावन बनाने के लिए रास्ता दिखाया। पत्थर की मूर्तियां तो अब हमने बना दी, जब वो चैतन्य थे वो उनको निमित्त बने थे रास्ता दिखाने। तो जो निमित्त बनेगा उसी को ही तो वो इष्ट देव बनाएंगे, किसी और को क्यों बनाएंगे? भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए। अब तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है। अब ब्रह्मा बना कृष्ण है तो हमारा भाई ना, ब्रह्मा बना कृष्ण। अब तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है, उससे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं, कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, ब्रह्म महतत्व है, कोई कहते वो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो गया? खुद ही तो नाम दे रहे हो। बाप को ना जानने के कारण ही सारे पतित बन पड़े। तमो प्रधान भी बनना ही है, फिर जब बाप आए तब सबको पावन बनाए। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहां आकर सतो रजो तमो का पाठ बजाती। आत्मा ही बाप को याद करती है, बाप आते भी हैं, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूं। ये है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। कहते हैं
भागीरथ ने गंगा लाई। अब ये बात तो हो नहीं सकती, परंतु कुछ भी समझते कि हम कहते क्या हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया है ये है ज्ञान वर्षा, इससे क्या होता है पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है, गंगा जमुना तो कहाँ होती है सतयुग में भी होती है। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं, कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसी कोई बातें है नहीं, वे तो सतयुग का प्रिंस है, उसकी बहुत संभाल से पालना होती है, उसकी बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़े ही खुशबू लेंगे, अभी तो है ही कांटों की दुनिया। जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है बबूलनाथ, क्या नाम है उनका बबूलनाथ भी रख दिया है, कांटों से फूल बनाते हैं इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों को, बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए अभी तुम जानते हो। हम बेहद के बाप के बने हैं, अभी तुम्हारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे, आत्मा जानती है वे हमारा लौकिक बाप और ये पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक बाप और ये गॉड फादर। अविनाशी बाप को याद करते हैं, वे बाप आकर क्या करता है, वो बाप आकर क्या करता है, हेवन स्थापन करते हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। बाप कहते हैं, बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलता है, तो सबसे जास्ती भक्ति करने वालों को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते नहीं, सुख में तो सिमरण करते ही नहीं, अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम जाकर सुखी बनाते, तब हम जाकर सुखी बनाते। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते, अभी तुम क्या बनते हो,
बहुत बड़े आदमी बनते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा, तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो। देवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो, वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरों ज्वारातों के होते हैं। वहां तुम्हारा फर्नीचर सोने जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं, शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं। ना तो सतयुग में कोई यज्ञ होते हैं और ना ही वहां कोई भक्ति होती है। इस समय ही बाप ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसको फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति तो सदैव नहीं चलती है। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों को भी बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। हम बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, मोस्ट बिलवेड बाप है। उससे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। आधा कल्प से याद करते आए हैं, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं, बच्चे तुम्हें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है। यहाँ बाबा के पास कब तक बैठेंगे, कहाँ तक बैठेंगे। साथ में तो परम धाम ही रहते हैं, साथ में तो परम धाम में ही, बाप के साथ तो परम धाम में रहते हैं ना, रह सकते हैं। यहाँ तो नहीं रह सकते, यहाँ तो नॉलेज पढ़ने की है। नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते। लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या? लाउड स्पीकर पर पढ़ाई बाबा ने नहीं करा। कहते सामने मैं आपकी बात सुन सकूं, आप मेरी बात सुन सकूं। लाउड स्पीकर पे आप मेरी बात तो सुन सकेंगे, आपकी बात तो मैं नहीं सुन सकूंगा ना। आपके मन में प्रश्न उठा है, आप वहां पीछे बैठे हैं, आप प्रश्न पूछ नहीं सकते। वहां से चिल्लाते रहो, मेरे को सुनाई नहीं दे। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे? भाई पीछे माइक पर पढ़ा रहे हो तो टीचर फिर सवाल कैसे पूछेंगे? लाउड स्पीकर पर आप जवाब कैसे दे सकते हो? क्योंकि आपके पास भी तो लाउड स्पीकर चाहिए फिर। इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते, रिजल्ट निकलती है। यहाँ तो एक बाप ही पढ़ाते हैं। ये भी समझाना चाहिए कि दो बाप हैं, एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। दुख में सिमरण उस पारलौकिक बाप को करते। अब वो बाप आया हुआ है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, ये समझते हैं। दुनिया वाले समझते हैं महाभारत लड़ाई में
कृष्ण, महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो। बिचारे मूंझे हुए हैं फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलवेड शिव भी है तो श्री कृष्ण भी है, परंतु वो है निराकार और वो है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है, दोनों मोस्ट बिलवेड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना, अभी तुम जज करो, अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं ना। कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए ना। बाप ने समझाया तुम सब पार्वतियां हो, कौनो पार्वतियां हो, ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। तुम हो सब अर्जुन, तुम ही सब द्रौपदियां, तुम सब कौन हो, अर्जुन हो, तुम सब द्रौपदियां हो। हाँ, कभी अर्जुन बना दे, मजे हैं बाबा के। इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है, इस विशेष विकारी दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है, वो है वॉइसलेस वर्ल्ड। ये है विकारी दुनिया और वो है निर्विकारी दुनिया। विकार की बात ही नहीं, निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे क्या? विकार में ही दुख है, विकार में ही दुख है। सन्यासियों का है हठ योग, निर्वृत्ति मार्ग, कर्म सन्यास, कर्म सन्यास तो कभी होता ही नहीं। वे तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए, गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता। आत्मा शरीर से अलग हुई तो कहां चली जाती है सीधी, गर्भ जेल में। फिर गर्भ जेल में क्या करती है, कर्मों का हिसाब शुरू। जन्म लेना है तो शरीर बनाना, अंदर होता है कर्मों का हिसाब किताब शुरू। जब शरीर में प्रवेश कर लिया तो कार्मिक अकाउंट शुरू हो गया ना। गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है, बाकी कर्म संन्यास कहना रॉन्ग। हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चल जाते हैं, चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजें भी निकालते हैं, भगवान को भी जादूगर रत्नागर सौदागर कहते हैं, लेकिन उनसे कोई की गति सदगति तो नहीं मिल सकती, तो नहीं मिल सकती। वे तो एक ही सच्चा सतगुरु है,
आकर सबकी गति सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, कांटों को फूल बनाने वाला मोस्ट बिलवेड एक बाप, बहुत प्यारा बाप एक ही। उस बाप से उसे बहुत लव से याद करना, उस बाप को बहुत प्यार से याद करना। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। नंबर दो, ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इससे 21 जन्मों का वर्षा। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, इसलिए क्या करो, अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना, आत्म अभिमानी बनना है। वरदान, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भाव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः रहती, कहते हैं ना, चुल पर और दिल पर। इसका मतलब समझे, जो चुल पर वो दिल पर, चुल से अलग हुआ तो दिल से भी उतर जाता। ये लाइन समझ में आई है कि नहीं आई है? ऐसा होता है कि जो भी परिवार के लोग एक चूल्हे पर खाना खाते हैं उनका आपस में बहुत प्यार होता है। जैसे ही चूल्हा अलग हुआ, प्यार खत्म होना शुरू, काम होना। देखिए, लठ बज रहा है, ये जिस समय की बात है तब पांच पांच पीढ़ियां भी, चार चार पीढ़ियां भी इकट्ठे, निकम्मा भी वहीं खा रहा है, काम वाला भी वहीं खा रहा है, प्यार था। अब क्या होता है कि कई समझते हैं कि ये निकम्मा है। तो दादी ने अपना एक अनुभव सुनाया था, जब ये इंदिरा गांधी का कांड हुआ उस समय से पहले एक भाई पुलिस वाला आता और ना सुनता ज्ञान ना कुछ, आ जाता रोजाना, तो दीदी उसे रोजाना टोली देती रही। बोले तो ज्ञान ध्यान तो कुछ सुनता नहीं, कुछ समझता नहीं। बोले कोई बात नहीं, आ तो रहा है ना, जब इमरजेंसी लग गई वो कुछ दिन, तो तब खाना पहुंचाने वाला वही पुलिसिया था, उन तक कोई भी राशन पहुंचाना है, कोई सामान पहुंचाना है तो काम आया ना। मतलब कहने का है कि हर एक आत्मा काम आ सकती है। मतलब ये बात सोचते थे पहले, ये समझते थे, नहीं? तो चाहे वो कुछ नहीं करता फिर भी है तो अपना ही ना, कहते मारेगा भी तो छाया में ही डालेगा। मतलब कहने का है कि अपना समझ करके, मतलब वो काम नहीं कर रहा है तो भी उसको खिलाते रहते। मतलब प्यार बना रहता। अब लठ बजाने वाले लठ भी बजाते रहते हैं, उनका पार्ट है, हिसाब किताब है लठ बजाने का, तो लड़ेंगे ही।
मैं ज्यादा कमा के लाया तो कम कमा के लाया, लड़ लो भाई। हाँ जी, हाँ, अब नहीं बनते विचार, इसलिए नहीं बनते क्योंकि अब हद में चले गए, ज्यादा हद में चले गए। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे। मतलब बाप के साथ रहेंगे, निरंतर बाबा के साथ रहने से बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने, साथ रहेंगे तो सत का संग हो गया ना, तो सहज योगी बन जाएंगे। और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन, महारथी वे है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो, मजबूर ना हो, ऐसे ना बोले क्या करूं, हालत ही ऐसे थे, तुम्हें क्या पता, मैं ही जानता हूं। अच्छा, और विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो, कोई बात स्पष्ट ना हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।